आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सूखी सब्जी। हम उसका रेसिपी आपको दिखा देते हैं। ये गोभी है, आलू है, ये प्याज दो काट लिए हैं, ये लहसुन का कली है, ये दो हरी मिर्च काट लिए हैं, एक टमाटर काटे हैं और ये थोड़ा सा धनिया है और ये हमारा सारा मसाला है। ये मिक्स मसाला है, मिर्ची है, ये जीरा। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें तेल डालेंगे। अब थोड़ी सी तेल को गर्म होने देते हैं। गोभी को हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम आलू डाल लेंगे क्योंकि दोनों साथ साथ में फ्राई हो जाएं और जल्दी से जल्दी सब्जी तैयार हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जी बनने में। आलू और गोभी को लाल होने तक हम फ्राई कर लेंगे। गोभी का फ्राई कर लिए हैं हम, हो चुका है देखिए। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में, अलग से तेल नहीं डालेंगे, अब इसी तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता डालेंगे। अब हम जो प्याज काट लिए थे वो डालेंगे। प्याज को लाल होने देते हैं। देखिए प्याज हमारा थोड़ी सा लाल हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। इसमें हम मसाला डालेंगे 4 चम्मच। ये सारा मसाला मिक्स है। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे कि मसाला जलेगा नहीं।
हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम आलू और गोभी डाल देंगे जो पहले से ही फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हुआ है। अब गैस को हल्का कर देंगे। अब हल्के गैस पे रख देंगे पकने के लिए। अब इसको हम ढक देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर में देख लेंगे, चेक करते रहेंगे। देखिए हमारी सब्जी हो चुकी है। अब इसमें हम जो काटे थे धनिया और डाल लेंगे। अब गैस को बंद कर लेंगे। देख सकते हैं हमारे आलू गोभी की सब्जी कितना जल्दी तैयार हो चुका है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा सा बन चुका है। अगर आलू गोभी की सूखी सब्जी जल्दी से बनाना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। अगर हमारी डिश पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते।